सुनो ध्यान से सर, आप लोगों ने पूछा जाए कि जो ट्री में रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो आप बेसिकली ग्रीन होता है। क्या ऐसा है? तो नीचे ब्राउन एंड ब्लैक और सेम ग्रीन और ऐसे कोई भी चीज डायरेक्ट ग्रीन नहीं है। आप देखेंगे ना ग्रीन नहीं है। आप किसी भी ट्री को देखिए ध्यान से, इसको देखिए और घर देखिए, इसमें आपको कई कलर दिखेंगे, बहुत सारे। येलो दिखेगा, येलो से थोड़ा डार्क दिखेगा, एकदम डार्क दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी जब टोन देखेंगे या पत्ती को देखेंगे तो उसमें तीन कलर आपको दिखेंगे विशेष रूप से। आप देखिए समय के साथ वो जो बदलता रहता है, तो सुबह का जब आप देखेंगे ट्री को तो उसका अलग रंग दिखेगा और शाम का रास्ते बीच में नहीं साइड, ठीक है। आप देखेंगे गाँव में साइड में रहता है ना ट्री वगैरह, समझदार समझ जा रहा है। और क्या बताया? और सर पानी सूखे ना, गुड, बहुत अच्छा गुड। इसमें देखिए ध्यान ये रखना है ना, पानी इसे लगाते हैं हाँ मिल जाता है सही। इसमें पानी इसलिए लगा रहे हैं इसमें ताकि जब हम पानी के साथ जब कलर लगाते हैं तो फेड हो जाता है वो हल्का, हाँ हल्का हो जाता है ना। तो ये जब पेपर को ये नम हो जाएगा तो जब हम कलर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा कलर ब्राइट होकर दिखेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे हम अगर इस पर अगर पानी लगा अभी कलर लगाएं तो सूखने बाद तो दाग हो जाएगा। नहीं दाग होगा, अभी देखिए तो वाटर कलर का क्या होता है, पानी है ना तो फैलेगा, ठीक है। इसमें जैसे अभी आप लोग इतना करते हैं तो आप लोग डर जाते हैं ना कि ये गंदा हो गया, ऐसा होता है ना कभी कभी। अब देखिए ये यहाँ पे हम येलो ले रहे हैं, तो येलो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्री का हिस्सा है। दूसरी बात कि यहाँ पे हम पहले इसलिए मिक्स कर दिए ताकि इसके साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। लगाना है, कैसे लगाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस करना है ना, इससे क्या फायदा होगा आपका कि पेपर पे आपके हाथ नहीं जाएंगे, दूसरी बात जो है पेपर में शाइनिंग रहेगी आपकी। ये बात समझ में आ गई, आपको ध्यान रखना विशेष। हाँ जैसे अभी हम उसको जो है बाद में डार्क और लाइट के माध्यम से उसको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए वाटर कलर में एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोगों को कि स्टार्टिंग का जो होता है वो समझ नहीं आता है कि ये क्या हो, समझ में आ रहा आप लोगों को ना। सर हम अपने को पेंट करेंगे, ये मेरा ही घर है सर, मेरे गांव वाला घर जो है ऐसा ही है, इसी में रहते हैं। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप करने के बाद वर्क अच्छा निकला ना, शुरू में लग रहा होगा कि कहीं सर कितना फेंक रहे हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कितनी, कितना अच्छा हम सोच सकते हैं, है ना, वो दिखना चाहिए, है ना। जितने अच्छे हम सोचेंगे उतना ही अच्छा जो है। अब जो गाँव